डियर सब्सक्राइबर, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज है 12 मार्च 2019 और 12 मार्च 2019 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे इस वीडियो से आपकी 1% भी हेल्प हो रही है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने देश भर में कितने GPS स्टेशनों को स्थापित किया। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश भर में कितने GPS स्टेशनों को स्थापित किया है। टोटल 22 GPS स्टेशनों को स्थापित किया है। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है GSI, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसके बारे में तो आपको इमेज थ्रू बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले GSI के बारे में बताता हूँ। GSI की फुल फॉर्म क्या होती है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होती है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1851 में। कब की गई थी, 1851 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में। और इसके महानिदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम पे, वो है दिनेश गुप्ता। कौन है इसके महानिदेशक प्रेजेंट टाइम पे, वो है दिनेश गुप्ता। और अब मैं आपको इसको इमेज थ्रू बताता हूँ। ये देखिए, ये जो GPS GSI सिस्टम है इससे होगा क्या, जो भूकंप से जो क्षेत्र होते हैं, जो खतरनाक क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे अगर कहीं पे भी भूकंप आने की उस संभावना है तो इसके थ्रू अपने को पता लगाया जा सके, उस भूकंप की पहचान करवाई जा सके। इसलिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश भर में टोटल 22 GPS स्टेशनों को स्थापित किया है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने कानून पास किया है कि अगर कोई सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करता है तो उसे 15 दिन जेल या 1.6 लाख का जुर्माना हो सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हाल ही में ऐसा कौन सा देश है, उस देश ने कानून पास किया है अगर कोई भी सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करता है तो उसको 15 दिनों की जेल होगी या 1,06,000 रुपये का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा कौन सा देश है जिसने कानून लागू किया है, ये कानून लागू किया है रूस ने। यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन से सीधी और सरल भाषा में सिर्फ इतनी बातें याद रखिए, अभी हाल ही में रसिया ने ये कानून लागू किया है कि अगर कोई राष्ट्रपति या सरकार का अपमान करता है तो उसे 15 दिनों की जेल होगी या 1,06,000 का उस पर जुर्माना होगा लगाया जाएगा। अब यहाँ पे बात आई है रूस, तो मैं आपको रूस के बारे में बताता हूँ। रूस यानी रसिया, रसिया की कैपिटल है मॉस्को, वहाँ की करेंसी है रसियन रूबल और वहाँ के प्रेसिडेंट है कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य ने अटल आहार योजना की शुरुआत की है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य ने अटल आहार योजना की शुरुआत की है, तो ये की है महाराष्ट्र सरकार ने। यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये जो अटल आहार योजना है ये क्या है, इसके बारे में आपको भी बताता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर भी लगा रखी है। यानी जो कंस्ट्रक्शन करता लोग होते हैं, जो कहीं पे भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उन पे जो लेबर काम करते हैं वहाँ पे, उन लेबर को सिर्फ 5 रुपये में, मात्र 5 रुपये में भरपेट और पौष्टिक आहार दिया जाएगा। उसी स्थान पे देखिए यहाँ पे वैन भी है, उस वैन थ्रू उनको पौष्टिक आहार मात्र 5 रुपये में पहुँचाया जाएगा जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे। आप सीधे और सरल भाषा में माइंड में सिर्फ इतना फिट कर लीजिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने अटल आहार योजना की शुरुआत की है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। अब यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र, तो मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, वहाँ के CM है देवेंद्र फडणवीस और वहाँ के गवर्नर है CV राव। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDAI ने किसके साथ मिलकर संयुक्त कार्यदल का गठन किया है। अभी हाल ही में IRDAI ने
NANHA के साथ मिलकर संयुक्त कार्य दल का गठन किया है। अब यहाँ पे तीन टर्म आए हैं, एक है IRDAI, एक है संयुक्त कार्य दल और एक है NHA, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इन तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए IRDAI ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी IRDAI। अब यहाँ पे बात आती है NHA, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल हेल्थ केयर एसोसिएशन। क्या होती है, नेशनल हेल्थ केयर एसोसिएशन। उसके बाद टर्म आई है संयुक्त कार्यदल, तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आरोग्य योजना चलाई है, उस योजना को और भी सुचारू रूप से लागू करने के लिए ये संयुक्त कार्यदल की दल का गठन किया है। आप सीधे और सरल भाषा में सिर्फ इतनी बातें याद रखें कि अभी हाल ही में IRDAI ने NHA के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी बातें याद रखनी है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दून मसूरी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभी हाल ही में किसने दून मसूरी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी, तो ये जो प्रेजेंट टाइम के उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने ही इस दून मसूरी रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्या है, दून मसूरी रोपवे परियोजना, ये देखिए पिक्चर में देखने से आप समझ में आ गया होगा कि ये रोपवे परियोजना है। ये दून और मसूरी, इन दोनों को ये रोपवे परियोजना थ्रू जोड़ा जाएगा और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम किया जाएगा, किससे, इस रोपवे थ्रू। और इस रोपवे जो ये परियोजना है दून मसूरी रोपवे परियोजना, इसको कौन बनाएगा, इसको फ्रांस की एक कंपनी बनाएगी, तो आप इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखिए। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना लॉन्च की है। क्वेश्चन क्या है अपना कि अभी हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड राज्य ने, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्या है, शहरी आंचल अमृत योजना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो उत्तराखंड में जो आंगनवाड़ी केंद्र है, उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे हैं उनको दूध वितरण किया जाएगा, उनको हर हफ्ते में 2 बार 100 ml दूध दिया जाएगा। कितना ml दिया जाएगा, 100 ml दूध दिया जाएगा हफ्ते में 2 बार, वीकली 2 बार उनको 100 ml दूध दिया जाएगा। और इससे जो उत्तराखंड में जो 20,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, उस 20,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये दूध दिया जाएगा, यानी बहुत से बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। आप सीधे और सरल भाषा में इतना याद रखिए कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने आंचल अमृत योजना शुरू की है। और ये आंचल अमृत योजना क्या है, जो आंगनवाड़ी केंद्र है उस आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को दूध वितरण किया जाएगा, हफ्ते में 2 बार उनको 100 ml दूध दिया जाएगा, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखनी है। अब यहाँ पे बात आई है उत्तराखंड, तो मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये है मैप में उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, वहाँ के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्या, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है। अभी हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बनी है काने तनाका, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये काने तनाका कौन है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैंने इनकी आप पिक्चर भी लगा रखी है, ये है काने तनाका और ये दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। इनकी जो टोटल उम्र है वो कितनी है, 100 साल उम्र है। और इनका ये कहाँ के रहने वाली, ये है जापान के रहने वाली। और इनका अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया है। इसके पहले भी ये एक रिकॉर्ड किसके नाम था, वो जापान की एक महिला थी जिनका नाम था चियो मियाके। क्या नाम था, चियो मियाके, वो 117 साल की थी। तो आप इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखिए कि दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है, वो है काने तनाका। और जापान को क्या कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी
याद रखनी है। चलिए अब चलते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा। आपको तो पता होगा कि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो ये कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा। ये आयोजित किया जाएगा टोटल 7 चरणों में, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये चुनाव कब से कब तक होगा, ये 11 अप्रैल से 19 मई के बीच होगा। कब से कब तक होगा ये चुनाव, 11 अप्रैल से 19 मई के बीच ये चुनाव होगा। और ये कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा, ये टोटल 7 चरणों में आयोजित किया जाएगा। टोटल लोकसभा की सीटें कितनी होगी, 543 टोटल लोकसभा की यहाँ पे सीटें होंगी। और वो जो अप्रैल मंथ में ये चुनाव कब से कब तक होगा, एक होगा 14 तारीख को, एक 18 तारीख को, एक 23 तारीख को, एक 29 तारीख को। ये अप्रैल मंथ में होगा, मैं एक बार आपको फिर बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। एक होगा 14 तारीख को, एक 18 तारीख को, एक 23 तारीख को, एक 29 तारीख को। और मई महीने में इसका ये जो चुनाव है ये कौन कौन से डेट को होगा, एक होगा 9 तारीख को, एक 12 तारीख को और एक 19 तारीख को। और इसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, ये कब दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 23 मई को। कब दिया जाएगा, 23 मई को ये फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। और 23 मई को आपको समझ जाएगा कि कौन सी सरकार बनी है। और आप कमेंट करके ये बता सकते हैं, मैं भी आपसे क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बनना चाहिए, कौन सी सरकार अपने इंडिया में अभी हाल ही में 2019 में फिर से बनेगी। तो बताइए मुझे कमेंट में आप क्या चाहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखिए। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्च को इथियोपियन एयरलाइंस का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हाल ही में 10 मार्च को इथियोपियन एयरलाइंस का कौन सा विमान ऐसा है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वो हुआ है बोइंग 737-8 मैक्स। कौन सा, बोइंग 737-8 मैक्स, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए, यही वो प्लेन है जो अभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस प्लेन में टोटल 35 देशों के 149 यात्री सवार थे। कितने देशों के, 35 देशों के 149 यात्री सवार थे। उनमें 4 यात्री भारत के भी थे। जो दुर्घटना हुई, प्लेन क्रैश हुआ, उसमें ये मारे गए। इस प्लेन ने अपने हवाई अड्डे से 8:38 पे उड़ान भरी और ठीक 8 मिनट बाद ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो आप इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखिए। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिव रिडली कछुओं का समय जो अंडे देकर घोंसले बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो ओलिव रिडली कछुआ है, उन कछुए के जो समूह है वो घोंसले बनाकर अंडे देते हैं, तो उस अंडे देने की क्रिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अरीबादा, यानी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओलिव रिडली कछुआ क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी पिक्चर भी लगा रखी है। यही वो ओलिव रिडली कछुआ है जो इस तरह घोंसले बनाकर अंडे देता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को अरीबादा कहते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आजकल कोई भी साइंटिस्ट इसका जो शोध वगैरह नहीं कर सका। ये देखिए, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरबी सागर है और इधर हिंद महासागर है, और ये अपने भारत का मैप है, और ये है अपना उड़ीसा। तो ये जो इधर से अरबी समुद्र आता है, इधर से हिंद महासागर है, इधर से बंगाल की खाड़ी है, इन जब ठंडी के दिनों में ये जो ओलिव रिडली कछुए हैं ये उड़ीसा के तट पर आते हैं। इस चारों तरफ से जिधर उधर से ये महासागर लगा है वो और कहीं नहीं जाते, सिर्फ इस उड़ीसा के तट पे आकर ही अंडे देते हैं। और बहुत से साइंटिस्ट ने ये खोज करने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन है कि ये ओलिव रिडली कछुए यहीं पे आके, उड़ीसा पे ही आके ये अंडे देते हैं, ये क्रिया यहीं पे करते हैं। लेकिन आज तक इसका कोई भी इनोवेशन, कोई भी शोध नहीं लगा पाया है। ये जो ओलिव रिडली कछुए होते हैं, ये हर एक कछुआ 100 से 150 के बीच में अंडे देता है, और ठीक 10 हफ्तों बाद वो अंडों में से उनके बच्चे निकल जाते हैं। ये क्या है, ऐसा आज तक किसी ने भी इसका इनोवेशन, कोई भी ये शोध नहीं लगा सका है, कोई भी इसके बारे में पता नहीं कर सका है। एक
एक तरफा इसे तो कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा कि मीलों दूर तक सागर में रहने वाले जो ओलिव रिडली कछुए हैं वो ठंडी के दिनों में ही उड़ीसा के तट पे आकर अंडे देते दे। दूसरी जगह कहीं नहीं जाते वो, ठंडी के दिनों में सिर्फ उसी जगह पाए जाते हैं उड़ीसा के तट पे, और वो अपने उड़ी अंडे वगैरह दे के हो गए, उनके बच्चे निकल गए कि फिर वहाँ से वो चले जाते हैं, फिर वो कभी नहीं पाए जाते। फिर से जब ठंडी के दिन आते हैं, जाड़े के दिन आते हैं, तो वो वहीं पे आके अंडे देते हैं। और इस अंडे देने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको अरिबादा कहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बात आई है उड़ीसा, तो मैं आपको उड़ीसा के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ के CM है नवीन पटनायक और वहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। और जब भी बात आती है उड़ीसा की, मैं आपको हर बार दो क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा में है कोणार्क सन टेम्पल, और एक है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या किया गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो आप इस क्वेश्चन से सीधे और सरल भाषा में इतनी जानकारी याद रखिए। चलिए अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अपना संचार उपग्रह लॉन्च किया है। अभी हाल ही में चीन ने अपना कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो किया है चाइनासैट 6C। कौन सा किया है? चाइनासैट 6C, यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में 10 मार्च को ये उपग्रह लॉन्च किया है, और किससे लॉन्च किया है? मार्च 3B रॉकेट से। कौन से? मार्च 3B रॉकेट से ये उपग्रह लॉन्च किया है। अब ये उपग्रह तो चाइना ने लॉन्च किया है, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? जो उपग्रह का लॉन्च किया है वो जो रेडियो है और TV के जो प्रसारण है उसमें उच्च गुणवत्ता और सेवाएं प्रदान करना, इसका ये मेन मकसद है। अब यहाँ पे बात आई है चीन, तो मैं आपको चीन के बारे में बताता हूँ। चीन की कैपिटल है बीजिंग, वहाँ की मुद्रा है रेनमिनबिन, और वहाँ के जो ये प्रेसिडेंट है वो है Xi Jinping है। तो आप इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी याद रखिए। चलिए अब मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आज मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ। देखिए वो क्वेश्चन क्या था जो मैंने कल आपसे पूछा था, कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो वो है मिजोरम के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। सभी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा था। मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो। अब आप जो चीज़ें एक बार लिख देते हो उन चीज़ों को कभी नहीं भूलते। तो चलिए आज मैं फिर आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राज्य के मयूर गुड़ को GI टैग प्रदान किया गया? अभी हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है उस राज्य के मयूर गुड़ को GI टैग प्रदान किया है? बताइए, मैंने ये क्वेश्चन कल ही करवा रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आना चाहिए, और मैंने यहाँ 4 ऑप्शन भी दे रखे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल है, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पर आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कम्प्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।